हेलो फ्रेंड्स, लर्निंग पॉइंट ज्ञान के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं आर्ट्स का 50 मार्क्स का जो इंग्लिश का एग्ज़ाम हुआ है उसका आंसर बताने जा रहा हूँ। और इसी चैनल पे बिहार बोर्ड द्वारा आयोजित इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम के सभी विषयों का ऑब्जेक्टिव का आंसर 100% सही करके बताया गया है। आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लें, और आने वाले 10th जो मैट्रिक बोर्ड एग्ज़ाम है बिहार बोर्ड द्वारा, उसके भी सभी प्रश्नों के आंसर आपको इसी चैनल पर बताए जाएंगे। तो आज मैं इंग्लिश का सेट का आंसर बता रहा हूँ, मैं सेट ई का बता रहा हूँ। आपको जो भी सेट मिला हो मैं क्वेश्चन को पढ़ पढ़ के बताऊँगा, आप क्वेश्चन को मिला ले और कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताएं कि आपने कितना सही बनाया। तो सी सेट में जो पहला क्वेश्चन था वी डोंट टेस्ट टेस्ट टी एट नाइट, इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी है। तो दूसरा क्वेश्चन है आई रिप्लाई डैश डैश आई इंजॉय डैश डैश ड्रामा, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए रीडिंग। 3 नंबर का क्वेश्चन है आई सॉ ए स्नेक इन डैश डैश ग्रास, इस प्रश्न का आंसर होगा इसमें कोई आर्टिकल नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी सही है, नो आर्टिकल। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। 4 में क्वेश्चन है ही जम्प्ड अप ही रेन अवे, तो ये दो अलग अलग सेंटेंस है, इसको कॉम्बिनेशन करना है, दोनों को जोड़ना है, इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ही जम्प्ड एंड रेन अवे। आगे बढ़ते हैं 5 की तरफ। 5 में क्वेश्चन है तरुण सॉ हिम क्रॉसिंग द रोड, क्वेश्चन दिया हुआ एक्टिव में इसका पेसिव बनाना है, इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है ही वाज सीन क्रॉसिंग द रोड बाय तरुण, ये नंबर सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में दिस कार डैश डैश फोर डोर्स, तो दिस कार डैश डैश फोर डोर्स, इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी हैज़, दिस कार हैज़ फोर डोर्स। क्वेश्चन नंबर 7 है ही इज सफरिंग डैश डैश फीवर, तो सफरिंग डैश डैश फीवर, इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी फ्रॉम, सी सही है इनका। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 8 पे क्वेश्चन है कि यू डैश डैश कम टू स्कूल इन टाइम, ये क्वेश्चन कल भी पूछा था, इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी शुड। तो आपको मैं फिर से बता दूं, अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और आने वाले 10th का जो एग्ज़ाम है उसके भी सभी विषयों का ऑब्जेक्टिव का आंसर इसी तरह बताया जाएगा, और इंटर का जो भी एग्ज़ाम हो चुका है अभी तक सबका एक एक करके आंसर सही 100% सही करके बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है प्लीज़ लुक डैश डैश द ब्लैक बोर्ड, इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी एट। 10 नंबर का क्वेश्चन है 10th में प्लीज़ गो आउट ऑफ द क्लास, इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए क्विटली। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, तो गार्जियन का सही स्पेलिंग पूछ रहा है, ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 12 है द ओल्ड डैश डैश हेल्पलेस, तो मैं आपको बता दूं द ओल्ड ये जो है प्लुरल नंबर को इंडिकेट करता है, तो द ओल्ड का मतलब बूढ़े लोग होते हैं, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्ड इज मेड डैश डैश मिल्क, तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए ऑफ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। 14 में चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फ्रेज, तो स्टैंड बाय का यहाँ पे करेक्ट मीनिंग पूछ रहा है, इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्टैंड बाय का फ्रेज होता है सपोर्ट। नेक्स्ट 15 में है यू हैड बीन इन्फॉर्म्ड बाय देम, तो ये पैसिव में दिया हुआ है, इसका एक्टिव पूछ रहा है, इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बी में है दे हैड इन्फॉर्म्ड यू। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। मोना ये स्टैंडिंग डैश डैश द अलमीरा, तो मोना खड़ी है अलमीरा, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मोना अलमीरा के नज़दीक खड़ी है, नियर। आगे बढ़ते हैं 17 में चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फ्रेज कट डाउन, तो कट डाउन का मतलब होता है कम करना, इसका सही जो फ्रेज होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी रिड्यूस। नेक्स्ट प्रश्न है सी हैज़ रूव्ड मी, एक बार फिर से इसका पैसिव वॉइस पूछ रहा है, तो सी हैज़ रूव्ड मी, इसका पैसिव वॉइस जो होगा आई हैव बीन रूव्ड बाय हर, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 में, तो और यहाँ से हम लोगों का बुक पर्सन स्टार्ट हो गया, एंड ब्यूटी केम लाइक द सेटिंग सन इज टेकन फ्रॉम, तो ये जो पंक्ति है वो किस कविता से ली गई, ये एवरी वन सिंग करके कविता है, उसी का ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 द पोएम इक्को हैज़ बीन रिटेन बाय, तो इक्को किसके द्वारा लिखा गया, इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी वाल्टर डीलामेयर। आगे बढ़ते हैं 21 में हु वाज द प्रिंसिपल ऑफ डेविड स्कूल, तो डेविड के स्कूल का प्रिंसिपल कौन था, इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मिस्टर ग्रीकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 में डैश डैश आर एज नेसेसरी टू आवर सिविलाइजेशन एज द एयर वी ब्रेथ इज टू अस, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ऑर्डर एंड सेफ्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वेव्स बिहाइंड देम डांस इज टेकन फ्रॉम, तो ये दो डेफोडिल से लिया गया, ऑप्शन नंबर सी सही है।
24 में चलते हैं। हु इज मिस बेट्सी, तो मिस बेट्सी कौन थी? ये डेविड्स की आंट थी, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुड मैनर्स इज रिटन बाय, गुड मैनर्स किसके द्वारा लिखा गया है? जेसी हिल इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में, हु अपेयर्स टू लूज ऑल ऑफ मिस बेट्सीज मनी? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यूरी हीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज स्टीव फोर मीट लिटिल एमली? तो इस प्रश्न में पूछ रहा है कि लिटिल एमली जो है वो स्टीव फोर्थ से कैसे मिलता है, तो इन दोनों को डेविड ने इंट्रोड्यूस कराया था, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, डेविड इंट्रोड्यूस डैम। आगे बढ़ते हैं 28 में, द पोएम इफ हैज़ बिन कम्पोज बाय, इफ किसके द्वारा रचित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रुडयार्ड किपलिंग। 29 सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, हु इज डेविड्स प्राइमरी इन्फ्लुएंस? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा स्टीव फोर्थ, ऑप्शन नंबर ए। 30 में क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन ये, इट इज़ नॉट इजी टू लिसन फॉर लॉन्ग टू एनी पर्सन इज टेकन फ्रॉम, ये कहाँ से लिया गया है? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुड मैनर्स। तो एक एक करके मैंने सारे प्रश्नों का आंसर बता दिया है, और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपने कितना सही बनाया है, और इनके अलावा भी आपने जिन अलग अलग विषयों का एग्जाम दिया है सभी का ऑब्जेक्टिव का आंसर इसी तरह बताया गया है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर पहले पहले अपलोड किए गए वीडियो को देख सकते हैं, और आने वाले 10th बोर्ड का जो एग्ज़ाम होने वाला उसमें भी इसी तरह सभी सब्जेक्टों का वीडियो अपलोड किया जाएगा, तो इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।